हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के बारे में। यूटीआई क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में कौन कौन सी मेडिसिन उपयोग में लाई जाती है यूटीआई में, उसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में बताई गई दवाएं सिर्फ जानकारी के लिए बताई जा रही है, किसी भी दवा को उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का कौन कौन सा सिस्टम या कौन कौन सा अंग जो है यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूटीआई में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यूरिन फॉर्मेशन का, तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे किडनी में होता है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद दोनों किडनी से होते हुए यूरेटर से होते हुए ये आकर ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हमारा ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन आकर स्टोर होता है, और इसको हम जो जिस पाइप से आता है उसे हम यूरेटर बोलते हैं। और ब्लैडर के नीचे वाले भाग में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और उसके बाद ब्लैडर से के बाद यूरेथ्रा से होते हुए यह यूरिन मिक्चुरेशन के समय बाहर हमारे शरीर से बाहर आता है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो मेनली ई कोलाई बैक्टीरिया के वजह से होता है। कौन सी ई कोलाई बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो स्किन और रेक्टम में होता है, और रेक्टम से होते हुए वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे ब्लैडर तक ट्रैवल करके पहुंच जाता है, जिससे वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। उसे हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई अफेक्ट योर यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग योर ब्लैडर। ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन होता है उसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। अगर वहीं यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। और किडनी में अगर इन्फेक्शन होता है उसे हम किडनी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारा मेनली जो होता है हमारा ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, यूरेटर इन्वॉल्व होता है और यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ यूटीआई यानी कि यूटीआई के लक्षण के बारे में, कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूटीआई जब होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस होता है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगता है। और येलो कलरेशन ऑफ मिक्चुरेशन, पीला पेशाब होता है। पेन इन लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले भाग में दर्द होता है। राइज इन टेम्परेचर, शरीर के तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अगर यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो क्या क्या होता है? परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, यूरिनेशन मतलब बार बार इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो जाता है, बार बार पेशाब लगता है। बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेटिंग, पेशाब करते समय आपको दर्द का एहसास होगा। और जो पेशाब का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। और पेन लोअर एब्डोमेन में, अगर एब्डोमेन की बात करें तो लोअर एब्डोमेन में, एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्सा में हमें दर्द का एहसास होता है। और राइज इन टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं कि यूटीआई होने के कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ यूटीआई। तो यूटीआई का पहला जो कारण होता है वो हैविंग सेक्स, सेक्स के वजह से भी, इंटरकोर्स के वजह से भी यूटीआई हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंडीशन दैट ब्लॉक द यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर वैसा कोई कंडीशन या डिजीज हो रखा हो जैसे किडनी स्टोन हो रखा हो जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो रहा हो, उसके कारण से भी यूटीआई होता है। कंडीशन दैट मेक इट डिफिकल्ट टू फुल्ली एम्प्टी द ब्लैडर, वैसे कंडीशन जिसमें हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है पूरी तरीके से खाली नहीं होता है जब आप पेशाब करते हैं, तब वैसे कंडीशन में भी यूटीआई होने का चांसेस रहता है। जैसे कि अगर आपको प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो गया हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, वैसे कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, तो वैसे कंडीशन में भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला जो कारण होता है वो है यूरिनरी कैथेटर, अगर यूरिनरी कैथेटर किसी पेशेंट को लगा हुआ है तब वैसे कंडीशन में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरिनरी कैथेटर अगर किसी पेशेंट को लगा हुआ है तो उसको हमेशा 7 से 10 दिनों के बीच में उसको अपना कैथेटर, जो फॉलिस कैथेटर लगा हो, उसको चेंज कराना चाहिए।
7 से 10 दिनों में। नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूड, कम पानी या कम फ्लूड पीने से भी यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकता है और पेशाब में जलन हो सकता है। नॉट कीपिंग द जेनाइटल एरिया क्लीन एंड ड्राई, जेनाइटल एरिया यानी कि पर्सनल हाइजीन अगर अच्छे से मेंटेन न किया गया हो और साफ सुथरी न रखा गया हो तब वैसे कंडीशन में भी यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई यानी कि यूटीआई का इलाज क्या क्या होता है। तो सबसे पहला जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो अल्कलाइजर सिरप होता है। ये अल्कलाइजर सिरप क्या करता है कि हमारे यूरिन को अल्कलाइन कर देता है, जिससे जो यूरिन यूटीआई में जलन देता है या पेट के निचले भाग में दर्द होता है वैसे कंडीशन को वो ठीक करता है। और यूटीआई में जो अल्कलाइजर सिरप आते हैं वो मोस्ट कॉमनली नेरी नाम से आते हैं। और अगला जो सिरप है वो है अल्कासोल, यूटीजॉय और यूरिलाइजर। ये आपको मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाएंगे और काफ़ी कॉमन से ड्रग्स हैं जो यूटीआई में इस्तेमाल किए जाते हैं, नेरी सिरप, अल्कासोल और यूटीजॉय, और एक यूरिलाइजर सिरप भी आता है मार्केट में। अगर हम इन सिरप का साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, अगर कॉमन साइड इफेक्ट, जनरली यह किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें स्टोमक क्रैम्प्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको फैटिक फील हो सकता है या वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है। वोमिटिंग भी हो सकती है और वोमिटिंग टेंडेंसी भी हो सकता है। इसका अगर अगला ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। यूरिनरी ट्रैक मसल रिलैक्सेंट में पहला जो दवा है वो है यूरी स्पास नाम से, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें फ्लेवोजेट 200 mg पाया जाता है, फ्लेवोजेट 200 mg। इसको दिन में यूरी स्पास को 200 mg वन टैब बीडी दिया जाता है, यानी कि 12 घंटे में एक बार, दिन में दो बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अगले हम टैबलेट की बात करें तो अगला जो टैबलेट है वो है मार्टिफर टैबलेट, मार्टिफर या निपटास। मार्टिफर टैबलेट में नाइट्रोफेरेंटोइन पाया जाता है 100 mg। नाइट्रोफेरेंटोइन यानी कि मार्टिफर या निपटास का इस्तेमाल भी दिन में दो बार किया जाता है, 12 आवरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 5 डेज के लिए, 5 दिनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा दवा है वो काफ़ी कॉमन सा ड्रग है और ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का चॉइस है, बैक्ट्रिम डीएस। बैक्ट्रिम डीएस ट्रीटमेंट जो है यूटीआई के लिए बहुत ही साधारण सी दवा है और काफ़ी इजीली कॉमनली हमें ये मार्केट में मिल जाता है। बैक्ट्रिम डीएस में ट्राइमेथीप्रीम और सल्फोमेथाजोल पाया जाता है। और अगला जो हम अगर दवा के बारे में बात करें तो वो है हमारा फॉस्फोमाइसिन सैशेट। फॉस्फोमाइसिन सैशेट आता है और यह सिंगल डोज के लिए होता है। ये जो पाउडर होता है उसे पानी में मिलाकर, लगभग एक लीटर पानी में मिलाकर सिंगल यूज के लिए यह सैशेट होता है। और ये थोड़ी महंगी मिलती है, इसके वजह से फॉस्फोमाइसिन का जो सैशेट होता है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आगे हम एंटीबायोटिक की बात करें तो फ्लोरोक्विनोल्स इसमें यूटीआई में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोक्विनोल्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg वन टैब बीडी इसमें दिया जा सकता है। अगला जो हमारा दवा है वो है लिवोफ्लोक्सासिन 500 mg वन टैब ओडी, यानी कि 24 घंटे में दिन में एक टैबलेट देना होता है। अगला जो एंटीबायोटिक है वो है ऑफ्लोक्सासिन। और एक और जो एंटीबायोटिक कॉमनली यूज किया जाता है वो है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। अगर हम यूटीआई के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कोई भी एंटीबायोटिक चूज करने से पहले आपको यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट से हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा ड्रग जो है वो सेंसिटिव है और कौन सा ड्रग जो है वो रेसिस्ट कर गया है। तो चलिए ये तो बात हुआ हमारे ट्रीटमेंट के। अगर ट्रीटमेंट से ज़्यादा आसान है हमारे लिए यूटीआई में प्रिवेंशन करना, अगर हम खुद को कुछ प्रिवेंट करें तो यूटीआई से बचा जा सकता है। जैसे सेफ सेक्स, सेक्स के दौरान कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में हमें फ्लूड लेते रहना चाहिए ताकि हम डिहाइड्रेटेड ना हो और
पेशाब में जलन न हो। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में यानी कि प्राइवेट पार्ट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ अदर एसोसिएटेड डिजीज, अदर एसोसिएटेड डिजीज में जैसे अगर आपको शुगर में क्या होता है कि आपको बार बार पेशाब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होता है पेशाब करने की, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको शुगर का अगर कोई भी एसोसिएटेड डिजीज हो तो उसको आपको मैनेज करके रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, या हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। थैंक यू। जय हिंद।